राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बैठा हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बै तड़के मॉर्निंग में जमा जमा जम बारिश में एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। एक नंबर की बारिश होने लग रही है, जमा बूंडे कटिए तय रखे सारी रात का बरसन लग रहा है और सुबेर का भी जमानू रंगारंग जमानू बूंडे डालनो भाई। इस मौसम में तुम पकौड़े बनाई खुआ दो ना और पूड़े तैर की खुआ दो तो स्वाद सा आएगा, जमानू मन अति प्रसन्न हो जाएगा, तम गद्दे सी नौकरी लग जाओगे। तो भाई खबर क्या ही है, एचएसएससी ना है, सीईटी का पेपर लेने तक मना कर दिया, पकोड़े तो कड़ता खुआओगे पेपर लेने तक नेट के तैयारी करनी छोड़ दियो। इब देख लो क्या कुछ मामला है क्या नहीं है। उससे पहले भाई इब जो आपका एचपीएससी जो एचसीएस का जो पेपर होना है, एचपीएससी एचसीएस का जो पेपर होना है, अगर उसका खतर कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहो तो एसडी पब्लिकेशन की ओर से आपका एचपीएससी एचसीएस के प्रैक्टिस सेट होने का लेगा। जनरल स्टडीज जो आपका पार्ट वन प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होना है उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो निकालेगा, सोल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट नुक्के नो ठीक है। और आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, इसकी ई बुक भी अवेलेबल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। जैसे देखो आपका सोल्ड पेपर भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का एचपीएससी का ठीक है, और जितने भी एचपीएससी जो भी प्रैक्टिस सेट है वो भी सारे के सारे मिल जाएं तार्तिक, कोई भी विद सॉल्यूशन ठीक है, प्रैक्टिस सेट का विद सॉल्यूशन जो करिए देखो सारा का सारा तारती सारा का सारा डाटा है वो मिल जाएगा नुक्कानू। तो जो भी लेना चाहो है एचपीएससी एचसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट है, 1900 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, तो वो साथी है ले सीखा है ठीक है। ये है भाई आपकी बुक, एसडी पब्लिकेशन है आपका ठीक है, इनके द्वारा ये बुक है लॉन्च करी गई है, तो चेकआउट है तारा मार्सी को हो भाई ठीक है। अब चलते हैं अपने खबर की ओर, अपनी खबर क्या है भाई, अपनी खबर है भाई पहले तो भाई एचएसएससी सीईटी की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, तैयारी का अगर तारती 70 प्लस नंबर अगर तारती पेपर सीईटी का क्लियर करना तो उसका खतर भाई प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो थे एचपीएससी के, आऊंगे अपने एचएसएससी के। तो भाई चे तम किसी का भी अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उस पर जाके पूछ लो, हरियाणा पुलिस में हो रहा हो किसी का या कितने और कलर का में हो रहा हो या और कितने हो रहा हो, उसने मॉक टेस्ट या जिस अभी प्रैक्टिस सेट बोला टेस्ट सीरीज बोला ठीक है, वो उसने जरूर देगी देखे पाऊँ, क्योंकि उनका बिना है तम बेरा कौन पट्टे तारी तैयारी है कितनी। तो आप भी मॉक टेस्ट लेके आए, यहाँ अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला था जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सीखो हो ठीक है। उसको ऊपर आप 15 प्रैक्टिस सेट की एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, लेकिन उसका मैं एक प्रैक्टिस सेट है जो सबसे पहला वाला वो फ्री है, डेमो मॉक टेस्ट बोलना जिस थी वो तारती फ्री में मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा ठीक है। वो तम सारे ने देख ही देखना है, वो वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो तम सारे ने देख ही देखना है। वो कुकर मिलेगा तारती जो लिंक है, लिंक पर क्लिक करे पचास नीचे ऐप खोलोगे ना तो ऐप खोले पचास उड़ा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिला, उड़ा एक डेमो टेस्ट लिखा पाओ जरूर देखिए देखो, अगर उस डेमो में तारा 70 प्लस आ गए ना 100 माता तो तुम समझो तारा सिलेक्शन 100% है, पक्का हो जाएगा, आसानी तो हो जाएगा ठीक है। और जिसना वो डेमो वाला मॉक टेस्ट पसंद आ जाए तो वो और भी मॉक टेस्ट खरीदेगा, टोटल 15 मॉक टेस्ट है, 90 रुपया का मिलेंगे, एक मॉक टेस्ट 6 रुपया का मिलेगा ठीक है, 6 रुपया का एक मॉक टेस्ट है ठीक है। और इन मॉक टेस्ट जो देखी देखेगा ना भाई उसका मैं गारंटी दे हूँ, उसने बेरा पैट जाए मेरा किस सब्जेक्ट की तैयारी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मन और कितना पढ़ने की जरूरत है, तो मैंने इस चीज़ का बेरा पैट जाएगा ठीक है। तो देख सको भाई एनटीए जैसे पेपर है, देखो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी के आयोजन से है दूरी बना ली है ठीक है। ये खबर आया है आपकी, देखो इसके अंदर क्या खबर आई है, एचएसएससी वाले नेट के बोले हम तो सीईटी का चक्कर में पड़ देखो नहीं तो हम तारा न्यारा सांग रचो। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तारीखों पर लगभग है 12 लाख बेरोजगार युवाओं की नज़र है, नो नज़र टिका रहे हैं 12 लाख बेरोजगार युवा, आ हा 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 कच्ची सीईटी हो है। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी के आयोजन से है दूरी बना ली है, अब इसका आयोजन पूरी तरह प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है। एचएसएससी वाले बोले मारा बस की बात करनी, चाहे सरकार है ताम संभालो, चाहे एनटीए वाले है ताम संभालो, हम तो इस सबसे दूरी रहते हैं। जिन 12 लाख उम्मीदवारों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी की तारीखों का पता चल जाए, मगर अभी तक है तारीखों का पता है वो कौन सा लिया है भाई ठीक है। हालांकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन गत 10 जुलाई को पूरा हो चुका है और 15 जुलाई को है फीस जमा हो चुकी है, मगर अभी तक सीईटी की तारीख तय नहीं हुई है, सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करना है। अभी यो फालतू ज्ञान बांट रखा है, आईटीआई जो है परिणाम निकालने शुरू करेंगे, जो काम है जो मेन खबर हुआ है तारी आड़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया कि सीईटी का आयोजन एनटीए ने करना है, मगर एनटीए की तरफ से अरे के अंड बंड संड हो गया,
मगर एनटीए की तरफ से अभी तक आयोग को कोई रिस्पांस नहीं दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए उन्हें मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को स्पष्ट कह दिया कि सीईटी के आयोजन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कोई रोल नहीं होगा। ऐसे सचिवालय के लिए बात हो रही है भाई, सीईटी का आयोजन किसने करना है? एनटीए ने करना है, लेकिन एनटीए की मैं रिस्पॉन्स है कौन दें दे नू बता दे कौन कद पेपर लेवाएं कद के कुछ रचना रचाएंगे। तो इसलिए जुकर है चेयरमैन साहब जो एचएसएससी आयोग है उसने सरकार तीनों कह दिया है कि भाई पाछा मारती ना कह दियो भाई तम पेपर क्यों को नहीं टेम्प लें दे। हम तो पहला हाथ खड़े करा हाँ भाई, जो कुछ करेंगे एनटीए करेंगे, एनटीए मारती कुछ मैं बता दे को नहीं लिख रखा है। एनटीए की तरफ से कभी भी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं गया है आयोग को, एनटीए की मैं बता दे कौन भाई कद लेवाएं क्या कुछ कराएं। तो इसलिए एचएसएससी ने पहला कह दिया भाई आम इसका दूर पेपर होने में कि मैं गड़बड़ी हुई कि मैं देरी हुई तो मारा कुछ रोल को नहीं, मारती तो मारा गया बातें कौन कर दिया अगले मारती तो कि मैं बता दे को नहीं। ठीक है, इससे आयोग स्वतंत्र, इसका आयोजन प्रदेश सरकार करवाए, नू भी कह दिया एचएसएससी ने ताम हैंडल करो ना अपना बस की बात को नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे शिक्षक भर्ती मामले में एचटेट के आयोजन में आयोग का कोई संबंध नहीं है, इसी तरह सीईटी के लिए भी आयोग का कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एचटेट पास कर उम्मीदवार आवेदन करते वैसे सीईटी के बाद उम्मीदवार आवेदन कर लेंगे, यह बात है कही गई है चेयरमैन साहब के द्वारा। यानी कि है एचएसएससी वाले हैं एक डालता, एचएसएससी वाले ने साफ साफ कह दिया है कि हम है इस मामले से रहेंगे बिल्कुल दूर, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जे तम सीईटी कदे ले हो कदे तारीखा का ऐलान करो हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा काम था पोर्टल पर इनके रजिस्ट्रेशन करवा लिए, फीस जमा करवा ली, वह फीस एनटीए दे देंगे, मतलब जो भी खर्चा होगा वो सारा हम करोड़ा में दे देंगे, कोई उसका लफड़ा नहीं है। लेकिन मैं आयोजन वोजन तामे संभालो मारा बस की बात को नहीं, खाम खा के पेपर लीक हो जाए कि मैं और लफड़ा हो जाएगा फिर तो हमारा सिर पर चढ़ोगे मारी दोगे उस्ताद सी दो भाई तम खुदे करवा लो जो कुछ करवाना है। तो ये खबर थी, तैयारी करनी छोड़ो ना, लगे रहो पेपर की तारीख हो जाएगी घोषित एक दो दिन में। ठीक है, और भी खबर आओगी भाई तो टेंशन ना लो। तो भाई एंडी मौसम है भाई कि पकौड़े पकौड़े तैर दियो कि मैं सरम लिया जाओ तो तैर दियो कि मैं पूड़े पाड़े जकोइयो। तो सारे ती राम राम धन्यवाद लांडा लालो खेजा सीईटी से संबंधित आज यही खबर आई थी। एचएसएससी वाले हाथ खड़े कर दिए हैं, एनटीए या सरकार है आपस में हैंडल करो नू कहो भाई खेजाओ फटाफट बात जाओ।